हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इफको, जो आपका नैनो फूलपुर का जो प्लांट था यूरिया वाला, वहां पर आपको कंडक्ट एक एग्जामिनेशन हुआ था 12 फरवरी 2023 को, जिसके रिजल्ट के संबंध में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करना चाहेंगे और आप तक मैं पहुँचाना अपना चाहूंगा। कि आप लोग कमेंट्स आ रहे थे कि रिजल्ट कब तक आएगा, लेकिन आपका फाइनली रिजल्ट आपका आ चुका है। उसी प्रक्रिया में हम लोग बात करेंगे और आपको कुछ बताने का प्रयास हम करेंगे। तो चैनल को विजिट करते समय आप सब्सक्राइब का बटन आप अवश्य प्रेस करें, जिससे आगामी जो भी अपडेट्स होगी किसी भी एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर किसी भी जॉब से संबंधित, तो आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन हो। तो आइए हम आपको एक स्क्रीनशॉट, तो मान लीजिए मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ है उसको मैं आपके तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। बाकी जिन लोगों को इंटरव्यू के लिए कुछ जानकारियां अगर बेसिक चाहिए, तो आप हमारे इंस्टाग्राम एग्री क्लासेस 573 पर फॉलो करके आप जो भी इंटरव्यू से रिलेटेड है सारी की सारी जानकारियां मैं इंस्टाग्राम के माध्यम से आपको मैसेज, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा आप तक इन्फॉर्म कर दूंगा। क्लियर? तो आइए देखिए इंटरव्यू का कॉल लेटर जो है, रिजल्ट कैसे देखेंगे, कैसे चेक करेंगे, या फिर कैसे पता चलेगा आप शॉर्टलिस्टेड हैं। यदि आप इफको के वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कहीं भी रिजल्ट देखने के लिए या फिर लॉगिन करने का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। जैसा कि एक्सपेक्टेड डेट हमने जो बताया था इफको का, देखिए इफको का कोई भी एग्जामिनेशन आपका होता है उसका रिजल्ट 1 मंथ बाद आता है। लेकिन अब आप लोग सोच, जैसा कि हमने बताया था, तो आप, मैं तो गलत साबित हो गया, लेकिन जो भी एक्सपेक्टेड डेट आती है, जो वो प्रत्येक किसी भी वैकेंसी का आप देखेंगे, जीईए का देख लीजिए, एजीटी का देख लीजिए, और फिर आईटी का भी देख लीजिए, बीटेक वालों के लिए एक वैकेंसी आई थी इंजीनियरिंग वाली, उसको भी आप देख लेंगे, तो आपका सभी का जो रिजल्ट आया था 1 मंथ बाद ही आया था। लेकिन इस वैकेंसी का जो डेट आपका 1 वीक के अंदर आपका रिजल्ट आ गया, 1 सप्ताह के अंदर आपका रिजल्ट इनके द्वारा जारी कर दिया गया। क्लियर? तो आप कैसे चेक करेंगे? देखिए चेक करने का एक सिंपल सा उपाय है, आप अपना जीमेल ओपन करिएगा। अभी के डेट में आपका शाम को 5:11 पे लगभग सभी लोगों का ईमेल आ गया, 5 बजे नहीं आया, आज नहीं आया, हो सकता कल आ जाएगा। लेकिन आपको यदि शॉर्टलिस्टेड होंगे, यदि आप उस कट ऑफ के अंदर होंगे, तो आपको इफको के माध्यम से मैसेज जरूर आया होगा। एक बार आप अपना ईमेल चेक करिएगा, आपको कहीं लॉगिन वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? जो मेल आया है उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है आपका डियर, आपका नेम, फिर एक तरफ आपका एप्लीकेशन आईडी लिखा है, आपका एप्लीकेशन आईडी लिखा हुआ है, उसमें लिखा है विथ रिफरेंस टू द ऑनलाइन रिटन टेस्ट डेट 12/2/2023 उसमें लिखा हुआ है, फॉर द पोस्ट ऑफ इफको ट्रेनी नैनो फर्टिलाइजर प्लांट फूलपुर We are glad to inform, मतलब हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं, you that you have been selected for interview, मतलब आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हो चुके हैं, मतलब शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं, आप इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। क्लियर? अब उसका शेड्यूल, इंटरव्यू एज पर शेड्यूल मेंशनड बिलो, मतलब नीचे आपका मेंशन किया गया है कि आपको किस डेट में बुलाया गया है। तो आइए डेट आपको बता देते हैं, डेट आपका जो है इंटरव्यू का सभी लोगों का लगभग यही होगा, अपना ईमेल चेक कर लीजिएगा, 21/2/2023 इस डेट को आपका इंटरव्यू है। उसके बाद रिपोर्टिंग टाइम इसमें दिया है, रिपोर्टिंग टाइम 8 AM 8 बजे सुबह। लेकिन जो भी स्टूडेंट जाएंगे, आप अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा इंटरव्यू के दौरान, हो सकता है आपका अगर डीबी होगा
वहीं पर चेक करके आपको इंटरव्यू जैसे आपका हो सकता है, रिजल्ट भी दे, आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इस वैकेंसी का कुछ समझ में नहीं है, मनमानी हो रही है लगभग, एक प्रकार से हम कह सकते हैं मनमानी, ये बस टेम्परेरी हो रहा है हमारे हिसाब से। तो लग रहा है कि जो स्टूडेंट मतलब ऐसे इंटरनल है उनका हो गया है, जो एग्जाम दिए हैं उनको बाहर कर दिया गया, पता नहीं क्या, समझ में नहीं आ रहा हमारे भी, क्योंकि स्टूडेंट्स भी जो हैं हमारे संपर्क में वो भी परेशान है काफी के। ये आपका मैनुअली जो टाइम दिया हुआ है 21 फरवरी 2023 को इंटरव्यू और रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है। वेन्यू ट्रेनिंग सेंटर न्यू एच ब्लॉक इफको फूलपुर यूनिट घिया नगर प्रयागराज 212404 आपका पिन कोड है। इसका मैं प्लेस लिख देता हूं, ट्रेनिंग सेंटर न्यू एच ब्लॉक फूलपुर यूनिट घिया नगर प्रयागराज। पिन कोड इसका है 212404। क्लियर, आपको सुबह 8 बजे है, लेकिन आप कोशिश करिएगा एक दिन पहले इंटरव्यू तक पहुंच जाइएगा, क्योंकि हो सकता है ट्रैफिक हो या कुछ भी हो, आप समस्या से मतलब इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हैं तो आप बिल्कुल अपना संसाधन देख लीजिएगा। उसके बाद आपका इसमें कुछ नीचे डॉक्यूमेंट दिया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर आना है, प्रिंट आउट ऑफ दिस ईमेल, इस ईमेल का प्रिंट आउट लेकर जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म की एप्लीकेंट आईडी लेकर जाना है, फिर एक पैन कार्ड का फोटो कॉपी होना चाहिए, आधार कार्ड का फोटो कॉपी होना चाहिए, फोटो और भी मतलब नीचे इतना ही स्क्रीनशॉट में आया है हमारे पास, तो बाकी अपना डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट सेशन के साथ, आज का बस यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, तब तक के लिए जय हिंद।